उत्तर प्रदेश के हरदोई के सांडी कस्बे में एक सराफा व्यापारी से लूट की वारदात हुई है। आपको बता दें कि दो बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर 20,000 रुपए लूट लिए। यह हमला व्यापारी पर उस समय हुआ जब वह मंदिर में दर्शन के लिए आया हुआ था। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वह बाहर निकला तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। सराफा व्यापारी ने बदमाशों को पहचान लिया है, वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया है और वह धरने पर बैठ गए। सभी ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर रोष जताया। इस बारे में सीओ बिलग्राम विशाल यादव ने बताया कि सांडी के शिव गुप्ता मंदिर में पूजा करने गए थे। वहां पर निर्माण कार्य भी हो रहा था। वहां पर दो व्यक्ति पहले से बैठे थे जिन्होंने व्यापारी पर फायर कर दिया, जिससे यह घायल हो गए हैं और इनके हाथ और मुंह में चोट आई है। पुलिस ने घायल व्यापारी को हरदोई जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उन्होंने बताया कि जहां तक बैग और 20,000 रुपए छीनने की बात है, व्यापारी के द्वारा जैसे ही शिकायत मिलेगी आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया है और सभी लोग अपनी दुकानें बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। एक व्यक्ति है जिनको पास के एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से फायर किया गया है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फायरिंग किन कारणों से हुई, इनका क्या विवाद था पूर्व में, इसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि बैग वगैरह लूट लिया गया है, इस तरह की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उनसे बात करके जो पूरी डिटेल है, अभी चूंकि तत्काल मौके पर आया हूँ, जो जिनके फायर लगा उनसे भी वार्ता करके जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।